आई कैन डू दिस ऑन माई ओन, क्या आप बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग है? फ्रेंड्स, अक्सर हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जहाँ लिखा होता है ऑन माई ओन, ऑन योर ओन, ऑन हिज ओन, ऑन हर ओन, ऑन देयर ओन, ऑन आर ओन। तो क्या आप जानते हैं कि इन सभी को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी इन सभी का मीनिंग क्या है? इन सभी का मीनिंग होता है अकेला या अकेली। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो वर्ड अकेला के लिए आप कहेंगे ऑन माई ओन। अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो आप कहेंगे ऑन योर ओन। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो आप कहेंगे ऑन हिज ओन। अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो आप कहेंगे ऑन हर ऑन। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो आप कहेंगे ऑन देयर ऑन। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो आप कहेंगे ऑन आर ऑन। कैसे? आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। मैं इसे अकेला कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन डू दिस ऑन माई ऑन, यानी मैं इसे अकेला कर सकता हूँ। अगर मुझे कहना हो कि आप इसे अकेले कर सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन डू दिस ऑन योर ऑन, यानी आप इसे अकेले कर सकते हैं। वह इसे अकेला कर सकता है, ही कैन डू दिस ऑन हिज ऑन। वह इसे अकेले कर सकती है, सी कैन डू दिस ऑन हर ओन। वे लोग इसको अकेले कर सकते हैं, दे कैन डू दिस ऑन देयर ओन। हम लोग इसे अकेले कर सकते हैं, वी कैन डू दिस ऑन आर ओन, यानी हम लोग इसको अकेले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ऑन माई ओन या ऑन योर ओन, यानी इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है अकेला या अकेली। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को और अच्छा से समझ सकें। मैं अकेला खाना पका सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन कुक फूड ऑन माई ओन। आप अकेले खाना नहीं पका सकते हैं, यू कांट कुक फूड ऑन योर ओन। क्या वो अकेला खाना पका सकता है, कैन ही कुक फूड ऑन हिज ओन। क्या वे लोग अकेले खाना पका सकते हैं, कैन दे कुक फूड ऑन देयर ओन, यानी क्या वे लोग अकेले खाना पका सकते हैं। मैं इसे अकेले उठा सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन लिफ्ट दिस ऑन माई ओन। आप इसको अकेले नहीं उठा सकते हैं, यू कांट लिफ्ट दिस ऑन योर ओन। वह इसे अकेले नहीं उठा सकता है, ही कांट लिफ्ट इट ऑन हिज ओन। वह इसे अकेले नहीं उठा सकती है, सी कांट लिफ्ट इट ऑन हर ओन, यानी वह इसे अकेले नहीं उठा सकती है। मैं अकेला जंगल में जा सकता हूँ, आई कैन गो टू फॉरेस्ट ऑन माई ओन। आप अकेले जंगल में नहीं जा सकते हैं, यू कॉन्ट गो टू फॉरेस्ट ऑन योर ओन। क्या वो अकेला जंगल में जा सकता है, कैन ही गो टू फॉरेस्ट ऑन हिज ओन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वर्ड को शानदार तरीके से सीखा कि ऑन माई ओन, ऑन योर ओन, ऑन हिज ओन, ऑन हर ओन, ऑन देयर ओन, ऑन आर ओन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। यहाँ मैं बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे न्यू लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।